लेट्स प्रे. हम प्रार्थना करेंगे. थैंक यू लॉर्ड, वी हैव कम टू योर प्रेजेंस. लॉर्ड जीसस, प्लीज स्पीक टू अवर हार्ट. लॉर्ड जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे, आमेन. रेवलेशन चैप्टर 3. रेवलेशन का अध्याय, तीसरा अध्याय में पढ़ेंगे. वर्स 19-22. 19 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे. एज मेनी एज आई लव आई रिप्यूक एंड चेसन, देयरफॉर बी जेलस एंड रिपेंट. बिहोल्ड आई स्टैंड एट द डोर एंड नॉक. इफ एनीवन हेट्स माय वॉइस एंड ओपन्स द डोर, I will come in to him and dine with him and he with me. To him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my father on his throne. 21-21. मैं जिन जिन से प्रति रखता हूँ उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगम हो और मन फिरा. देख, मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ. यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो उसमें तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ. 21-21. जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊँगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया. जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से कहता है. हियर जीसस इज टेलिंग द रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट टू जॉन, टेलिंग अबाउट द सेवन चर्चेस. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यवना को दृश्य देकर वो सात कलीसिया के बारे में बताता है. वाट आर द शॉर्ट कमिंग इन दोस चर्चेस, और जो निकट आने वाला चीजों को वो यवना को बता रहा है. इन जनरल वी कैन टेक इट एस इट इज़ फॉर अस. हम ये मान सकते हैं कि ये हमारे लिए भी है. सो 19 में ये कहता है कि एज मेनी एज आई लव आई रिप्यूक एंड चेसन. और 19 में ये कहता है कि मैं जिन जिन से प्रति रखता हूँ उन सबको उलाना और ताड़ना देता हूँ. सो ब्रदर ऑफन आस्क दैट हाउ डू यू नो दैट गॉड लव अस. भाई हमेशा ये कहता है कि हम कैसा जानते हैं कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है. ही रिप्यूकस, ही चेसनस, अदरवाइज ही डिसिप्लिनसस. और इसका मतलब ये है कि प्रभु हमें उलाना और ताड़ना और हमें डिसिप्लिन करता है. सो डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एवरीबडीज लाइफ. और जो डिसिप्लिन जो हमारे जीवन में है वो बहुत मान्य है, स्पेशली फॉर क्रिश्चियंस इट इज आवर मोर इम्पॉर्टेंट. और जैसे हम सब क्रिस्त में है वो उनके लिए बहुत ही मुख्य है. इवन ऑर्डिनरी पेरेंट्स, वेदर ही इज ए बिलीवर आर नॉन बिलीवर आर ओल्डली, इफ हिज चिल्ड्रन आर डिसिप्लिन देन ही विल बी वेरी हैप्पी. और मान ले कि एक साधारण जो माता पिता है, अगर उनका बच्चे अगर सही से पालन नहीं कर रहे तो वो यदि वो बिलीवर या कलेशिया में है या नहीं है तो वो हमेशा वो पालन रखते हैं. पेरेंट्स विल बी हैप्पी. और जो माता पिता है वो बहुत खुश होते हैं. लाइक दैट वी आर चिल्ड्रन ऑफ ऑलमाइटी गॉड. ऐसे ही हम सब प्रभु के बच्चे लोग हैं. सो गॉड नेचुरली वांट्स अस डिसिप्लिन्ड चाइल्ड. और परमेश्वर हमें हमसे यही चाहता है कि हम हमेशा अनुशासन में रहे. व्हाई वी रेब्यूक अवर चिल्ड्रन. हम क्यों अपने बच्चे लोग को डांटते हैं. बिकॉज दे डिविएट, दे मिसबिहेव. और दे डोंट हैव डिसिप्लिन. क्योंकि वो उनमें अनुशासन नहीं है, इसलिए हमें उन्हें सीधा करना पड़ता है. सो दैट they will come into disciplined life. और यदि इसीलिए वो अपना अनुशासन में आ जाए. Like that God also disciplines us. इसी तरह परमेश्वर भी हमें अनुशासन करता है. So Hebrews chapter 12.
हिब्रानी का अध्याय देखेंगे, 12वें अध्याय में, हिब्रानी का 12वां चैप्टर 12:1-2 हिब्रानी का 12 में 1 और 2 वचन रीड। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ और हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस को दुख सा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यस, सो हियर डिसिप्लिन लाइफ, और यहाँ पर देखते हैं कि अनुशासन का जीवन कैसा है। वेयर वी विच आर द थिंग्स विच डिस्ट्रैक्ट अस फ्रॉम डिसिप्लिन पाथ, और कौन सा ऐसा चीज है जो अनुशासन से हमें दूर निकाल सकता है। सो मेनी सिंस अट्रैक्ट अस टू कीप अवे फ्रॉम द डिसिप्लिन पाथ, और कई सारे ऐसे पाप है जहाँ पे हमें अनुशासन से दूर रख सकता है। सो लाइक एथलीट्स who runs the race to get the prize, we have to discipline ourselves. और जो जो दौड़ने वाले व्यक्ति को देखते हैं तो वो अपने आप में अनुशासन लाता है। Our master already run the race and sit at the father's throne. और जब हमारे प्रभु जो है वो पहले ही ये दौड़ लगाकर वो अपने पिता के दाहिने ओर बैठा है। जीसस क्राइस्ट इज आवर एग्जांपल, यीशु मसीह हमारे लिए बहुत एक उदाहरण है। सो ऑलवेज लुक एट जीसस एंड रन द रेस, और हमेशा हमें यीशु मसीह के ओर देखना है और हमें ये दौड़ के साथ चलना है। सो सिन नॉर्मली एंटर्स इनटू आवर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और हमेशा जो पाप है वो हमारे शरीर के अंग के द्वारा आता है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी नॉट डिसिप्लिन अवर आइस, उदाहरण के लिए हम अगर आँख को देख ले तो अगर आँख की अनुशासन नहीं करें तो इट विल एंटर थ्रू अवर आइस, इट विल डिस्ट्रैक्ट अस, और जो पाप है वो हमारे आँख के द्वारा आएगा और हमें अनुशासन से दूर रखेगा। इट विल डिस्ट्रॉय अस, हमको बर्बाद कर देगा। सो डिसिप्लिन यूर आइस, तो इसलिए हमें आँखों का अनुशासन करना है। जीसस टोल्ड इफ यूर आई makes you sin, you pluck it out. यीशु मसीह ये कहता है कि अगर तुम्हारे आँख में अगर कुछ पाप कर रहा है तो उसे निकाल दो। Paul says flee from youthful lust. और पौलस ये कहता है कि तुम पाप से भाग जाओ। That is the way to discipline our eyes. और यही एक मार्ग है जहाँ पे हम अनुशासन कर सकते हैं। Jesus guides us. यीशु मसीह हमें ले चलता है। Help us by his spirit. हमें मदद करेगा उनकी आत्मा के द्वारा। So through eyes how can we discipline, aur aankhon ke dwara hum kaise anushasan kar sakte hain, as job told 31:1 ayub ke 31 mein kehta hai ki I have made covenant with my eyes, main apne aankhon se niyam kar liya hu, how can I look at a stree, main kaisa ek stree ko aisa dekh sakta hu. So have you told or have you think about that, my dear brothers and sisters, kya hum ye sochte hain kya kabhi apne aap mein, it is very very easy to be caught by this sin, और ये बहुत ही आसान है ऐसा पापों से हम लुभाने में। There is no age, इसके लिए कोई एज नहीं है, कोई इसके लिए उम्र नहीं है, whether young or old, या कोई वो छोटा हो या बड़ा हो। So we have to discipline our eyes with help of God. तो हमें आंखों के अनुशासन परमेश्वर का मदद के द्वारा करना है। जेनेसिस 39:9 जेनेसिस में 39 में एक पहला वाक्य, जोसेफ फ्लड फ्रॉम दैट पोटीफर्स वाइफ, और यहाँ पे देखते हैं कि जोसेफ जो है वो पोटीफर का जो पत्नी थी उससे भाग गया था। He told, how can I sin against my God? मैं कैसा मेरे परमेश्वर के विरुद्ध मैं पाप कर सकता हूँ? हाउ दैट इज हाउ वी हैव टू फ्ली फ्रॉम द लस्ट, और ऐसा ही हमें भी पाप से भागना है। सो हाउ डू वी डिसिप्लिन
our ears. और कैसा हम अनुशासन कान के द्वारा कर सकते हैं? Whether our ears love to sing cinema songs. क्या हम हमारे कान जो है वो सिनेमा का जो गाना है वो सुनता है? Bad things about my brothers and sisters. और बुरा बातों के बारे में भाई बहनों के बारे में बुरी बातें हम सुनते हैं? Gossip of some brothers and sisters. और क्या हम किसी का बारे में हम भाई बहनों के बारे में हम कानों से सुनते हैं? Discipline your ears. तो हमें अनुशासन करना है अपने कानों को. Then discipline your mouth or tongue. फिर दूसरी आती है अनुशासन अपना मुंह के द्वारा. So for discipline our tongue or mouth starts with our heart. अनुशासन जो है जो जीभ और मुंह का है वो हमारे हृदय से चालू होता है. Because abundance of our heart, mouth speaks. और जो हृदय से जो भरा हुआ है वो मुंह से निकलता है. What is inside our heart, it comes out. और जो दिल में जो है वो मुंह से बाहर आता है. So to keep our hearts clean, God must be filled His Holy Spirit with our in our heart. और जो दिल को हम शुद्ध रखना चाहते हैं तो हमें यीशु मसीह का पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए. Then our heart will be clean. तभी हमारा दिल में जो है वो शुद्ध हो सकता है. Psalms 119 verse 9 से psalmist says, David says. भजन संहिता 119 में दाऊद कहता है. How can a young man keep his ways clean? कैसा एक नौजवान जो है अपना मार्ग को कैसा शुद्ध कर सकता है? By living according to your word. और वो कैसा जिएगा जैसा यीशु मसीह का परमेश्वर का नियम से पालन करके जी सकता है? Verse 11 says. 11वां वचन बताता है. I have hidden your words in my heart. मैं आपके वचनों को मेरे हृदय में बंद करके रखा हूँ. That I may not sin against you. और इसलिए मैं इसके द्वारा मैं पाप नहीं कर सकता. So second thing is fill the word of God in our heart. और दूसरी बात यह है कि हमें परमेश्वर का वचन से अपने दिलों में लिखना चाहिए. It keeps our heart clean and our mouth and tongue will be clean. और इससे हमारे हृदय शुद्ध रहेगा और हमारा मुंह भी शुद्ध रहेगा. So reading Bible is very very important. और जो पवित्र वचन है वो बहुत ही पवित्र वचन को पढ़ना बहुत ही मुख्य काम है. Memorizing God's word is very very important. और उसे याद रखना भी बहुत ही मुख्य काम है. Daily at least one word we have to memorize. अगर रोज हम एक एक वचन को पढ़ेंगे तो भी बहुत है. You see, one year it will be a great blessing to you. तो एक साल के बाद जो रहेगा वो बहुत ही आशीर्वाद हो जाएगा. To overcome sin, overcome temptation, God words helps. और पापों से या कुछ कठिनाइयों से हमें जाना है तो हमें इस वचनों के द्वारा हम इससे विजय पा सकते हैं. Because Jesus overcame all the temptation by God's word. और जो भी उनको temptation आया था वो पूरे वचनों से वो विजय पाकर आए थे. God's word should be food to our life. और जो पवित्र वचन है वो हमें 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 ऐसा रहना चाहिए कि भोजन के तरह. Verse 20, Revelation 3 verse. Chapter 3 verse 20. Revelation में तीसरा अध्याय में 20वां वचन में. I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him and dine with him and he with me. देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ, कटकटाता हूँ. यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ. You see, Jesus told John 10 verse 7, I am the door. और यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह योवना को क्या कहता है कि मैं ही द्वार हूँ. But here Jesus is telling, I am waiting at the door. और हम outside the door. और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह बोलता है कि मैं द्वार के भीतर खड़ा हूँ. You see, the one through which we have to enter into heaven is standing outside the door. और जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो जब उसका द्वार है वो यीशु मसीह के द्वारा ही जा सकते हैं. यू सी यूर हियर डोर इज डोर ऑफ आवर हार्ट. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो द्वार है वो हृदय का द्वार है. जीसस इज वेटिंग आउटसाइड आवर हार्ट. यीशु मसीह जो है हमारे हृदय का बाहर द्वार के बाहर खड़ा है. ही वॉन्ट्स टू कम इन टू आवर हार्ट एंड लिव
inside our heart. यीशु मसीह ये चाहता है कि हमारे हृदय में आए और वो हमारे साथ बसे. He wants to rule our heart. हमें हमारा हृदय को वो राज करना चाहता है. Why does he stand outside? वो क्यों बाहर खड़ा होता है? Because we are not opening our hearts. क्योंकि हम वो द्वार नहीं खोलते. Now please check each and every brothers and sister whether your heart is open. और हम ये देखते हैं कि भाई बहनों को भाई बहनों की कि हमारा हृदय को द्वार खुला है कि नहीं. Suppose in college days study hours is there, 1 hour study hours. और कॉलेज का समय देखते हैं कि एक वक्त ऐसा होता है कि जहाँ पर हम पढ़ने का एक समय देते हैं. So study hours 78 evening 78 after coming to school after nasta is over study. I was in hostel, so study 1 hour study hour. जब भाई हॉस्टल में थे तो उनका उनके लिए एक समय था जहाँ पर पढ़ने का एक समय होता है, तो वो समय वो पढ़ने के लिए होता है. After coming from school, everybody is tired and taking coffee. Then everybody wants to relax. ऐसा स्कूल के बच्चे लोग कैसा है कि जब स्कूल से आते हैं बहुत ही थक जाते हैं और उनको चाय नाश्ता देकर बहुत ही थका हुआ रहते हैं. Then that relaxation, our study means everybody means get boring. और वो थकान में अगर पढ़ना चाहते तो बहुत कठिन होता है. But our warden is very strict. We have to study 1 hour. परंतु हॉस्टल में ऐसा नहीं है. जो वार्डन जो वहाँ का जो मुखिया है वो ऐसा नहीं करने देता. Study the college subject is very boring. और जो कॉलेज का जो जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना बहुत मुश्किल है. Because morning 10 to 5 study same study books at college. और सुबह का जब कॉलेज का टाइम पे जो पढ़ाई होती है वही सब्जेक्ट वही पढ़ाई होती है. अगेन कमिंग रीड द सेम बुक. और घर पे आकर फिर से वही पढ़ना है. सो आवर वार्डन इज वेरी स्ट्रिक्ट नो. सो वी ऑल दैट टाइम कॉलेज टाइम वी ऑल हैव स्टोरी बुक्स तो नावल बुक्स. जो 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 इंचार्ज जो वार्डन रहता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट रहता था और पढ़ने के लिए वो बहुत मजबूर करता था. तो हमारे पास बहुत सारे नया स्टोरी बुक्स नया कहानी के पुस्तक रहते थे. सो वी स्टोरी बुक्स वी कीप इनसाइड. स्टोरी बुक नॉर्मली स्मॉल साइज ओनली. सो वी कीप इनसाइड द सेंटर ऑफ द सब्जेक्ट बुक एंड रीड द स्टोरी बुक वेरी इंटरेस्टिंगली. और जो पुस्तक जो नई कहानी के पुस्तक है वो बहुत छोटा रहता है और वो छोटा बुक को हम लोग वो पुस्तक में रख देते पढ़ने के लिए. देन आवर वार्डन पुश द चेयर टू get inside our room. और जो वार्डन जो है वो चेयर लेकर अंदर धकेलता है. सो वेन वी हियर द साउंड फ्रॉम दैट रूम नो वार्डन इज सिटिंग इमिडिएटली वी क्लोज द बुक. और जब वार्डन जब आने का समय रहता है तो उसका आवाज आता है तो हम तुरंत वो बुक बंद कर देते हैं. बुक इज इनसाइड देन आई विल ओपन दिस नेक्स्ट डिफरेंट पेज. और बुक जो है वो अंदर छुपा रहता है और मैं दूसरा पन्ना लेकर पढ़ लेता हूँ. When he sees, I will read this like this very. और जब वो वार्डन जब देखता है तो मैं दूसरा कुछ पन्ना लेकर पढ़ने के लिए जैसा दिखाता हूँ. So why do I hide that page when warden comes? और मैं क्यों ऐसा करता हूँ जब वार्डन मुझे देखता है मैं दूसरा पन्ना लेकर पढ़ रहा हूँ. So some sin is inside. क्योंकि मेरे अंदर एक छोटा सा पाप है. Like our heart, if some sin is inside our heart, we cannot open the door for Jesus Christ. और जब हमारे दिल पे अगर कोई पाप रहे और वो ना दिखाई दिया और इसलिए हम वो द्वार यीशु मसीह के लिए बंद रखते हैं. Jesus Christ come for everybody's repentance. He wants repentance. यीशु मसीह जो आए थे वो पाप से मुक्ति करने के लिए आए थे और वो मन पश्चाताप करने के लिए आए थे. सो इफ देयर इज एनी सिन गो टू जीसस कन्फेस एंड फॉरसेक आस्क फॉरगिवनेस. अगर कोई पाप हमारे भीतर है तो हमें यीशु मसीह के पास जाकर उनसे मन पश्चाताप करना है. आवर हार्ट विल बी क्लीन. हमारा हृदय शुद्ध रहेगा. इट विल ऑलवेज ओपन फॉर जीसस. और हमेशा यीशु मसीह के लिए द्वार खुला रहेगा. देन ही कम्स इनटू आवर हार्ट. और जब वो हमारे भीतर आएगा अंदर आएगा देन देयर इज ए ग्रेट फेलोशिप विद हिम. और उनके साथ हम मेल मिलाप कर सकते हैं. सो वॉकिंग विद जीसस इज वेरी इजी इफ योर हार्ट इज क्लीन. यीशु मसीह के साथ जो चलना है वो बहुत ही मुख्य है और क्योंकि और हमारे हृदय शुद्ध रख सकते हैं. क्रिश्चियन लाइफ इज वेरी एंजॉयबल.
क्रिस्त का जीवन जो है बहुत ही मजाकदायक है. Otherwise, it will be very heavy laden, brothers and sisters. नहीं तो ऐसा होता है कि बहुत बोझदायक हो जाता है. Jesus will be standing outside. और परमेश्वर यीशु बाहर ही खड़ा रहेगा. Some burden inside our heart. हमारे हृदय में एक बोझ रहेगा. So we will confess all our sins and request Jesus to come into our heart. तो हमें पूरा हमारे जो पाप को है वो मन पश्चाताप करना है और यीशु मसीह को अंदर बुलाना है. When he comes inside, जब वो हमारे अंदर आएगा, he will be as a king of our heart. और वो हमारे हृदय का राज बनकर रहेगा. What is the important thing of a king? और इसका मुख्य राज करने का मुख्य क्या है? And king rules so means I am his under his rule. राजा का मुख्य क्या है जो हमारे हृदय को राज करेगा कि ताकि मैं उसके उनके 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 साथ हूँ. So a king wants to whatever he wants, it should be done. और जो राजा जो है वो जो भी चाहता है वो होना चाहिए. That is the real meaning of king. और वही उसका अर्थ है. Whatever he says, if I obey, then he is my lord. और जो भी वो कहता है मैं अगर उसका पालन करता हूँ मतलब मैं यीशु मसीह का बच्चा हूँ. So it will be very easy, my dear brothers and sisters. और ये बहुत ही आसान हो जाएगा. When Jesus rules our heart, obedience is very easy. जब यीशु मसीह हमारे हृदय को राज करेगा तो जो पालन करना है वो बहुत आसान हो जाएगा. So we make discipline life. तो हमें अनुशासन का जीवन बनाना है. We ask Jesus come into our heart. यीशु मसीह को हमें कहना है कि आप अंदर आ जाए. God is always ready. और यीशु मसीह हमेशा तैयार है. Only we have to hear his voice. सिर्फ हमें उनकी बातों को सुनना है. Open the door of your heart. हमारे हृदय का जो द्वार है वो खोलना है. It is very very easy thing. और ये बहुत ही आसान चीज है. God will give us strength. और परमेश्वर हमें शक्ति दे सकता है. God will help us. और परमेश्वर हमें मदद करेगा. God will bless us. और हमें आशीषित करेगा.